500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। अब देखते हैं इनका असर किन किन पे पड़ता है। आज सभी विवाहित पुरुषों को ये मालूम पड़ जाएगा कि उनकी पत्नी के पास कितना काला धन है। मंदिर की दान पेटी पर लिखा जाएगा कि कृपया 500 और 1000 के नोट ना डालें। मैंने सिग्नल तोड़ा और पुलिस को 1000 रुपये दिए तो उसने बोला भाई 100 रुपये दे दे। अमेरिका में वोट गिने जा रहे हैं और भारत में नोट गिने जा रहे हैं। पत्नी पीड़ित संघ की पत्नियों से अपील कि जितना काला पैसा छुपा रखा है बता दे, आधा आधा बांट लेंगे। आज 100 के नोट ने भी अपनी कॉलर ऊंचा करके बात कही है कि किसी को छोटा मत समझना कभी। ये तो बड़ी चीटिंग हो गई। मोदी जी ने कहा कि काला धन बाहर से लाएंगे पर ये तो घर के अंदर से ही ला रहे हैं। बिजली विभाग से अपील है कि रात को बिजली न काटे क्योंकि रात को नोटों की गिनती चल रही है। तब 9/11 में अमेरिका हिल गया था, अब 9/11 में भारत हिल गया। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। गरीब होने की खुशी आज से पहले कभी नहीं मिली थी। उन प्रेमी प्रेमिकाओं का क्या होगा जो 500-1000 के नोट लेकर घर से भागे थे? जवाब, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मुझे तो इस माहौल को देख के ये लग रहा है कि बाबा रामदेव के पतंजलि के नोट वो भी जल्द ही मार्केट में आएंगे, जो जरूरत के हिसाब से खुद ही मुड़कर छोटे बड़े हो जाएंगे। दुख ये नहीं है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, दुख तो ये है कि मेरी सारी सेविंग्स मेरे पति को पता चल गई। आज रात को आराम से सोए, चोर भी आने से पहले 100 बार सोचेगा। और करो मोदी जी को उंगली, काला धन कब आएगा कब आएगा? अब कभी नहीं आएगा, वो अंदर ही सड़ जाएगा। 31 दिसंबर से पहले जियो फ्री और 31 दिसंबर के बाद 1000 और 500 के नोट फ्री। भारत के लोगों को चेतावनी कि शादी ब्याह में लिफाफे लेते वक्त एक बार ठीक से चेक कर ले, कहीं उसमें भी 500 और 1000 के नोट ना हो। कल तक जिस 500 और 1000 के नोट को देख के लोग तरसते थे, आज उन्हें ही देख के भड़कते हैं। अगर आज के बाद 500 और 1000 का नोट किसी ने दान पेटी में डाला तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। दोस्ती से विश्वास ही उठ गया है। कमीने कोई 500-1000 के नोट लेने को तैयार नहीं है।